ये छोटी माँ ने खास अपने हाथों से बनाया है आप सबके लिए। ये हमारा रिवाज है। लीजिए ना। थैंक यू। ये किचन में चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती। आप ही आइए ना। Let the men be. मेरा मतलब है कि देव और तुम्हारे डैड को बात करने दो आपस में। नीनू, जी साहब। देव, तुम आराम कर लो, कमरा तुम्हारा ऊपर है, नौकरों ने सामान पहुंचा दिया होगा। नीनू, कमरा दिखा दो। आइए सर। ये कमरा किसका है? तुम्हारा है। तुम्हारे खो जाने के बाद आरबी ने तुम्हें बहुत मिस किया। घर में हमेशा तुम्हारा एक कमरा रखा। जब भी रूबी के लिए गिफ्ट खरीदते तुम्हारे लिए भी लिया। बस ऐसा समझ लो कि तुम्हारा जो बचपन हमने मिस किया वो हमने इस कमरे में संभाल के रखा। ये व्यू देखो इस रूम से, बहुत अच्छा है ना? बस शाम को इस विंडो पर बैठे रहो, हाथ में जाम और क्या चाहिए जी। मेरा मतलब है कि ये व्यू शाम को ज्यादा सुंदर लगता है। कमरा कैसा लगा? बहुत अच्छा है। वो कहाँ है? वो देव, उसका फोन आ गया। आप दोनों बातें कीजिए, मैं अभी आती हूं। मैं अक्सर इस रूम में आया करता था, घंटों बिताता था यहां पे। कभी सोचता था तुम कहीं बाहर आंगन में खेल रही होंगी, कभी ये कल्पना करता था कि तुम यहां मेरे साथ खेल रही होती तो कैसी लगती। ये तुम्हारा है। तुम्हारी मां ने ऐसे दो कंगन बनवाए थे अपनी दोनों बेटियों के लिए कि जब उनकी शादी होगी वो पहनेंगी। मुझे रूबी का तो पता नहीं, वो शायद नहीं पहने,
तुम पहन लो अपना कंगन। तुम दोनों पैदा हुई थी ना, तुम्हारी मां और मैं सोचा करते थे कि तुम दोनों बड़ी होकर कैसी लगोगी। इसको पता था कि तुम दोनों को इस रूप में देखने के लिए वो जिंदा ही नहीं रहेगी। तुम दोनों ना बिल्कुल उनकी छवि हो। क्या हुआ था माँ को? तुम्हारी माँ का बहुत मन था कि हम राधाष्टमी के मेले में रावल जाएं। तुम उनकी गोदी में थी, रूबी मेरे पास थी। एक झांकी निकली वहां से, बहुत भीड़ थी और क्या हुआ था माँ को? तुम्हारी माँ का बहुत मन था कि हम राधाष्टमी के मेले में रावल जाएं। तुम उनकी गोदी में थी, रूबी मेरे पास थी, सोनिया भी थी हमारे साथ। एक झांकी निकली वहां से, बहुत भीड़ थी और भीड़ में सावित्री बिछड़ गई हमसे। अगले दिन उसकी लाश मिली। और तुम्हारा भी कोई अता पता नहीं मिला। मां मुझे पापा के पास छोड़ कर गई, ये कहते हुए कि वो बहुत जल्द लौट कर आएंगी। इतने साल मेरे बाबा ने मुझे एक अमानत की तरह संभाल कर रखा। एक बात कहूं? बोलो। बचपन से मैं बाबा को बाबा कहती आई हूं, तो क्या आपको पिताजी कहूं? तुम चाहो तो मुझे आरबी बुला सकती हो। जी आरबी, जैसे रूबी बुलाती और मैं भी उसे आरबी बुलाता। ये हम दोनों के बीच में हमारा डील है, एक दूसरे को आरबी बुलाएं। आप मेरे बड़े हैं, मैं आपको नाम से कैसे पुकार सकती हूँ? तो क्या हुआ, व्हाट्स द बिग डील? इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे लिए है, मैं आपको पिताजी ही कहूँ। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। ना मैंने रूबी को कभी किसी बात के लिए फोर्स किया है और ना ही तुम्हें करूंगा। मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि मेरी बेटी वापस आ गई, घर लौट के वापस आ गई। वो बेटी जो मेरे साथ सिर्फ 6 महीने रही है, जो 23 साल मुझसे अलग रही। राधिका,
तुम जानती हो तुम रूबी से पूरा एक घंटा बड़ी हो, शायद इसलिए तुम उससे ज्यादा समझदार हो। दरअसल स्वभाव में तुम बिल्कुल अपनी मां पर गई हो और रूबी मुझ पर, इसलिए इतनी जिद्दी है। मगर मुझे पूरा यकीन है कि मेरी समझदार बेटी अपनी जिद्दी बहन को बहुत जल्द अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेगी, है ना? देखो राधिका, मैं जानता हूं रूबी को तुम्हारा यहां आना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मगर आप चिंता मत कीजिए, वो मेरी बहन है, मैं उसे बहुत जल्द मना लूंगी। छोटी माँ और दाई माँ के बनाए हुए लड्डू कचरे में। ये सब कचरा किसने रखा है यहाँ पर? बाहर फेंको इसे। मैडम, ये राधिका मैडम लेकर आई। लाई है मतलब? उसे तो दरवाजे से बाहर फेंक दिया था ना? जी, बड़े साहब उन्हें घर लेके आए। इस कचरे को यहाँ से बाहर फेंको, निकालो इसे जल्दी। Hurry up, I said! खड़े क्या हो? और सुनो, अगर किसी ने भी उन गवारों को पानी तक के लिए भी पूछा ना, तो वो जॉली के गोली के निशाने पर होंगे। आरपी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। पहले तो उस गवार को मारने नहीं दिया और अब उसे इस घर में लेकर आ गए। लड़की भी आरबी का पूरा फायदा उठा रही है और आरबी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इन गवारों से बहुत जल्दी छुटकारा पाना होगा। इतनी प्यास लग रही है और सर्विस कॉल करने पे भी कोई नहीं आ रहा। राधिका का लाया हुआ प्रसाद और छोटी माँ और दाई माँ के बनाए हुए लड्डू कचरे में। सुनिए, ये देखिए ना, पिताजी ने मुझे ये कंगन दिया, सुंदर है ना?
क्या हुआ? कैसा है? अच्छा है, सुंदर है। अच्छा ये बताइए कि छोटी माँ ने क्या कहा? चिंता कर रही होंगी ना कि हमने पहुंचने के बाद एक बार उन्हें फोन भी नहीं किया। छोटी माँ से तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर किसका फोन था? फोन? हाँ, पिताजी कह रहे थे कि आपको किसी का फोन आया, इसलिए आप मेरा बचपन वाला कमरा नहीं देखने आ पाए। मुझे लगा घर से फोन होगा। मुझे खुद इस कमरे में भेजकर राधिका से ये कहा कि मेरा फोन आ गया। क्या सोचने लगे, किसका फोन था? वो मट से फोन है। अच्छा, इसीलिए पिताजी ने आपको अकेले बात करने के लिए छोड़ दिया। पिताजी ने विशेष रूप से सभी नौकरों को आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। आपको अच्छा तो लग रहा है ना? आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं, कुछ नहीं जी। परिवार भले ही देखने में आधुनिक लगे, यहाँ का माहौल विदेशी लगे, पर यहाँ सब में वैसा ही प्यार है जैसा हमारे परिवार में है, है ना? यहाँ सब कितना ख्याल रख रहे हैं हमारा, मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि 23 साल के बाद मिली बेटी और उसके पति को यहाँ सब लोग कितनी सहजता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। पर रूबी, रूबी का गुस्सा भी बहुत जल्द शांत हो जाएगा। आखिर हम दोनों का खून का रिश्ता है। बहुत जल्द मैं उसे मना लूंगी। काश तुम्हारा सोचना ही सही हो, क्योंकि मुझे इस घर में आकर कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। पर वो सब बातें मैं तुम्हें बताकर तुम्हारी खुशियां खराब नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम बस 2 दिन के लिए यहाँ आई। क्या सोचने लग गए? नहीं, कुछ नहीं। मुझसे छुपाएंगे? अरे नहीं पापा, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम कितने सालों के बाद अपने परिवार से मिली हो ना। इतने सालों से ये प्यार तुम्हें नहीं मिला, अब तो तुम खुश हो ना? सब कान्हा की कृपा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा। और आपका भी, आपने सब कुछ भुलाकर मेरी खुशी के लिए ये निर्णय लिया और मुझे यहां लेकर आए। मैं देखती हूँ। जी, गुड आफ्टरनून मैम, लंच तैयार है। सोनिया मैडम 8:30 में पहुंच रहे हैं, बड़े साहब 6 मिनट में, जॉली सर 11 मिनट में और रूबी मैडम का पता नहीं है। आप लोग कितनी देर में आएंगे? जी अभी आते हैं। अभी मतलब? हाँ, 2-3 मिनट में। 2 या 3? ढाई मिनट में। ओके मैडम, थैंक यू।
ऐसा लग रहा था खाने के लिए नहीं, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बुला रहे हैं जहाँ पर करोड़ों की डील होने वाली हो। आपको बुरा लगा ना कि किसी ने खाने पर खुद आकर नहीं बुलाया? अरे नहीं नहीं राधिका, हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। चलो नीचे चलते हैं। और वैसे भी तुम्हारे उस 2.5 मिनट में से आधा मिनट जा चुका है। अच्छा आप चलिए, मैं जरा ये सफर के कपड़े बदल कर आती हूँ। आज तक तुमने पता नहीं कितनी बार मेरे घर के खातिर बलिदान दिए। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि 2 दिन के लिए तुम्हारी खुशी के खातिर छोटे छोटे अपमानों को नजरअंदाज कर, हो सकता है तुम इस घर में कुछ अच्छे बदलाव ले आओ।